जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि को क्या परिणाम मिलेंगे जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और मंगल का ये राशि परिवर्तन 10 अगस्त को होगा। वो अपनी स्वराशि मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। मंगल वृश्चिक राशि वालों के राशि स्वामी भी हैं, और मंगल का जो गोचर है वो आपके सप्तम भाव में होगा। मंगल का वृषभ राशि में गोचर 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक रहेगा, और 16 अक्टूबर को वो राशि परिवर्तन एक बार फिर करेंगे और मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो मंगल का ये वृषभ राशि में गोचर आपको क्या परिणाम दे सकता है, इसकी बात करते हैं। मंगल से हमें ऊर्जा मिलती है, शारीरिक शक्ति मिलती है, जीवन की शक्ति भी मिलती है, और कोई भी कार्य करने के लिए लगन के साथ उसे संपन्न करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो मंगल के द्वारा मिलती है। जिन लोगों पर मंगल का प्रभाव ज़्यादा होता है ऐसे लोग बहुत ही साहसी होते हैं और बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। मंगल को भूमि, रियल इस्टेट, इंजीनियरिंग आदि के कारक के रूप में भी जाना जाता है, और मंगल का गोचर पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ राशि में होगा, जो कि काल पुरुष की कुंडली में दूसरे नंबर की राशि है, और ये शुक्र द्वारा शासित है, यानी कि इस राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र भौतिकता और अच्छी जीवन शैली के प्रतिनिधित्व करते हैं, और प्रेम के कारक भी हैं शुक्र। तो मंगल का वृषभ राशि में गोचर इस बात की ओर इशारा करता है कि इस समय आप अपनी ऊर्जा भौतिक सुखों से जुड़े लाभ प्राप्त करने की ओर ज़्यादा लगाएंगे। संपत्ति और रियल इस्टेट से लाभ प्राप्त करने के लिए भी ये गोचर अनुकूल हो सकता है, लेकिन ये फायदा आपको जब ही मिलेगा, ये परिणाम आपको जब ही मिलेंगे जब आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होगी और आपकी दशा भी अच्छी होगी, या फिर मंगल की दशा होगी और मंगल की स्थिति भी अच्छी होगी, तो फिर आपको पूर्ण फल प्राप्त होंगे। वरना ये गोचर का राशिफल है, ये आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल आपके राशि स्वामी हैं और मंगल आपके छठे भाव के स्वामी हैं, और छठे भाव में गोचर जो उनका है वो 10 अगस्त को वहाँ से ही राशि परिवर्तन करके वो सप्तम भाव में जाएंगे, जहाँ पर वृषभ राशि है और छठे भाव में मेष राशि है। तो छठे भाव के स्वामी और राशि स्वामी का गोचर सप्तम भाव में होगा, तो वहाँ पर आपको मंगल की दृष्टियाँ हैं वो दशम भाव पर रहेगी, और आपकी राशि यानी प्रथम भाव पर रहेगी और दूसरे भाव पर रहेगी। तो मंगल की जो दृष्टि है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छी हैं। चौथी दृष्टि तो उनके कार्यक्षेत्र पर है, दशम भाव पर है, करियर के भाव पर है, और सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर ही है। राशि स्वामी की दृष्टि राशि पर अच्छी रहेगी, और अष्टम दृष्टि आपके धन भाव पर है, दूसरे भाव पर है। तो इस समय पर, इस गोचर के दौरान आपके सातवें भाव में मंगल का गोचर होगा, तो इस समय पर आपके व्यापार कारोबार के लिए ये गोचर अच्छा होगा, और आपके व्यापारिक पार्टनरशिप में भी ये गोचर अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखना पड़ेगा, और यहाँ पर पार्टनरशिप और वैवाहिक संबंध दोनों के लिए गोचर अच्छा रहेगा, और व्यक्तिगत जीवन पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि अहम के टकराव और बहस से आपको बचना होगा। वरना सप्तम भाव में ये गोचर आपके जीवन साथी के साथ आपके अहम के चलते और आपके क्रोध के चलते, आपके व्यर्थ के बाद विवाद के चलते शादीशुदा जीवन में वाद विवाद खड़ा कर सकता है, इसलिए वैवाहिक जीवन पर ध्यान देने की जरूरत होगी। और अगर आपका कोई पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बाकी स्वास्थ्य के लिहाज से आप ऊर्जावान रहेंगे, स्वास्थ्य के मामले में गोचर अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य के लिए मंगल का ये गोचर अच्छा होगा, क्योंकि दृष्टि आपके प्रथम भाव पर होगी, तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगल का गोचर सप्तम भाव में आपको वैवाहिक संबंधों में व्यर्थ का वाद विवाद दे सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा, क्योंकि इस समय पर आप में अहम और क्रोध देखा जा सकता है। तो जीवन साथी के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना बहुत ही आवश्यक होगा, और उनकी अष्टम दृष्टि परिवार भाव पर है, वाणी के भाव पर है, धन के भाव पर है, तो आपको अपने पारिवारिक सदस्यों से भी तालमेल बनाकर चलना होगा, और पारिवारिक जीवन में आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना होगा, और परिवार के सदस्यों के साथ आपको अहंकार से बचना होगा। किसी भी प्रकार का कोई अहंकार, किसी भी प्रकार की कोई बहस, किसी भी प्रकार का कोई व्यर्थ का वाद विवाद ना हो, इसका विशेष ध्यान रखकर आपको चलना होगा।
इस समय पर कार्य क्षेत्र पे यानी आपके करियर के भाव पे दशम भाव पे दृष्टि आपके राशि स्वामी की अच्छी दृष्टि है। यहाँ पर अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी करते हैं यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपके बॉस के साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको हर स्थिति में इस बात का ध्यान रखकर बहुत चलना है कि आपको अपनी वाणी पर संयम अवश्य ही रखना है। और अगर आप अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखेंगे तो यहाँ पर मंगल आपको कुछ न कुछ लाभ भी दिला सकते हैं, यानी कि आपके राशि स्वामी का ये गोचर आपको लाभ दिला सकता है आपके व्यापार कारोबार में, आपकी नौकरी में। और आपके बॉस के साथ संबंध अगर अच्छे रहेंगे तो आपको इस दौरान यानी 10 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच में कोई ना कोई लाभ देखने को मिल सकता है, कोई ना कोई पदोन्नति देखने को मिल सकती है। तो इस तरह आपके नौकरी के लिए ये गोचर अच्छा है। और बात करते हैं व्यापार कारोबार के लिए, तो व्यापार कारोबार के लिए भी ये गोचर अच्छे परिणाम दिखाएगा। अगर खासकर आपका व्यापार अगर कहीं भूमि से जुड़ा हुआ है, रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और इस समय आप ऊर्जावान बहुत रहेंगे क्योंकि दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है। और अगर स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या पहले से चल रही है तो उस स्वास्थ्य की समस्या में आपको सुधार भी दिखेगा। तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा गोचर है, ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखकर चलना ही होगा क्योंकि छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता और अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो फिर वो बड़ी हो सकती हैं। इसलिए अगर स्वास्थ्य में कोई भी समस्या होती है तो कोताही नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श लेना है, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और अष्टम दृष्टि जो परिवार भाव पर है, तो मैंने जैसा पहले बोला है कि वाणी पर ध्यान रखना ही रखना है, पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर ही चलना है। तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये गोचर आपको लाभ दे सकता है, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर और अपने अहम पर नियंत्रण बहुत ही आवश्यक होगा इस गोचर के दौरान, वरना आपके वाद विवाद प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि आप में अहम और ऊर्जा और क्रोध की अधिकता भी देखने को मिल सकती है इस गोचर के दौरान। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी जो हैं वो मंगल ही हैं, तो आप मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। ये सभी में से कोई भी पाठ अगर आप करते हैं तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे तो उससे भी लाभ देखने को मिलेगा। और मंगलवार को अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं और वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उस प्रसाद को खुद ग्रहण करते हैं और गरीबों में भी बाँटते हैं तो आपको काफ़ी लाभ देखने को मिल सकता है। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर ले मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मंगल के गोचर के क्या परिणाम मिल सकते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये गोचर का राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।